ममता जी मां माटी मानुष ये बात करके आई थी सत्ता में, बताइए आई थी कि नहीं आई थी? आई थी ना? आप बताओ पश्चिम बंगाल में हमारी माताएं सुरक्षित हैं क्या? सुरक्षित है क्या? आप बताइए इसी बंगाल में संदेश खाली की घटना घटी कि नहीं घटी? महिलाओं का उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं को तकलीफ दी गई कि नहीं दी गई? महिलाओं के इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? और ये शाहजहां शेख को बचाने का काम ममता जी ने किया कि नहीं किया? ममता जी को बचाने के लिए ये शाहजहां शेख के तरफदारी की कि नहीं की? इसलिए इनको मां से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ममता जी को मां से कुछ लेना देना नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही तकलीफ का विषय है, दुख का विषय है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जत उनकी आबरू वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। क्या ये इस तरीके की घटना चलती रहेगी? क्या चलने देनी है? क्या इनको सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? अब आप बताइए मानुष की बात कर लें, माटी की बात कर लें, आप बताइए टीएमसी के कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता कम है और लूट खसोट ज्यादा करते हैं, उन्होंने गरीब आदमियों के जमीन को हत्याने का काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? गरीब आदमी के जमीन को हत्याने का काम किया कि नहीं किया? ये इनकी माटी के प्रति वफादारी है। ये पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ धोखा है, गरीब लोगों के साथ धोखा है, ये टोलाबाजी चल रही है। बोलो ऐसी सरकार को चलने देना है क्या? मैं आपके सामने मानुष की भी बात कहना चाहता हूं। आप बताइए बिना टका दिए कोई काम होता है क्या? कोई काम होता है क्या? टोलाबाजी है कि नहीं है? पूरी टोलाबाजी है कि नहीं है? जरा मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, टोलाबाजी है कि नहीं है? आप बताइए ऐसी सरकार को आने देना है क्या? इनको आगे बढ़ने देना है क्या?